नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश पुरोहित और एक बार फिर से स्वागत है आपका एसपी अरेना में। दोस्तों, आज ये वीडियो लेकर आया हूं फोटोपिया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में। फोटोपिया जो कि एक ऑनलाइन फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है और इससे आगे भी मैं एक वीडियो फोटोपिया सॉफ्टवेयर के ऊपर बना चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि फोटोपिया से हम किस तरह टेक्स्ट ब्लेंडिंग ऑप्शन से टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, वो आज देखेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी अपने ब्राउज़र में टाइप कर दीजिए photopea.com और टाइप करते ही हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा विंडो इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा फोटोपिया का। तो हमें कुछ नया क्रिएट करना है, तो जैसे कि हम यहाँ से ओपन कर लेंगे एक इमेज, तो मैंने पहले से सेव की है मेरे कंप्यूटर में, वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। कुछ इमेज इस तरह की है, जैसे वाटर, एक पानी वाटर का बैकग्राउंड है। और ऊपर यहाँ दे सकते हैं आप, ये सारे टूल्स हैं यहाँ पे दिए हुए इमेज एडिटिंग के लिए, जिसका यूज़ करके हम, और ये है टाइप टूल जिसका हम उपयोग आज करने वाले हैं। टाइप टूल है और जो भी टूल सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सब हमको ऊपर मिल जाएगी। तो टाइप टूल यहाँ से हम ले लेते हैं और लिख देते हैं एक सिंपल सा कोई भी वर्ड, जो चाहे आप लिख सकते हो, वाटर। ये है हमारे फॉन्ट का साइज, तो इससे आप स्लाइडर से साइज प्लस माइनस कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू टाइप करके भी फॉन्ट को साइज दे सकते हैं। और ये फॉन्ट टाइप है यहाँ पे दोस्तों। इस सॉफ्टवेयर में खास बात मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉन्ट, बहुत ही डिज़ाइनिंग और अट्रैक्टिव फॉन्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही सभी फॉन्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और डिज़ाइन में यही होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, और फॉन्ट के ज़रिए हमारे जो भी है वो बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉन्ट चेंज, ये नोसिफर जो कैप्स फॉन्ट है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो वो थोड़ा नीचे से ड्रॉप है तो वो दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में हम ले रहे हैं तो दिखेगा एक रेड कलर का लाइन, तो वो रेड कलर का लाइन जब भी आ जाए तो हमको पता चल जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में है। इसे थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं। इसके बाद आप जब भी आप फॉन्ट को सिलेक्ट करो तभी वो टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके ही आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट सिलेक्ट करना हो तो मेक श्योर कि वो हमने टाइप टूल हमने सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद उसका कलर जो भी हम चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कॉन्फर्म कर देते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक रखते हुए थोड़ा सा ग्रे कलर उस फॉन्ट को दिया है। और यहाँ पे ये जो लेयर है, यहाँ पे हम जब भी कंप्यूटर माउस से राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन, लेयर के ऑप्शन हमको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शन, सबसे पहला ऊपर में है। ये सारे बहुत सारे उसके ऑप्शन हैं, क्लिपिंग मास्क, लेयर स्टाइल, डिलीट, डुप्लीकेट लेयर वगैरह सारा। ये क्लिक करके एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन का। तो हमारी जो लेयर हमने सिलेक्ट की थी वही लेयर पे हम ये बहुत सारे ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे काउंटर, टेक्सचर, स्ट्रोक, इनर शेडो, आउटर शेडो, इनर ग्लो, तो बहुत सारे ऑप्शन है। और ये ब्लेंडिंग ऑप्शन के ये जो भी ऑप्शन है उससे हम अलग अलग इफेक्ट टेक्स्ट को या अपनी इमेजेस को दे सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लेंड मोड में देख लीजिए, डिसॉल्व है, डार्केन है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए, मल्टीप्लाई है,
तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवरले यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने वाटर थीम पे मैं अभी ये जो क्रिएट कर रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्ट, तो वो वाटर ही दिखे। यहाँ पे स्ट्रोक है तो स्ट्रोक भी आप सिलेक्ट करके आप जो भी स्ट्रोक देना चाहते हो अपने टेक्स्ट को वो दे सकते हैं। स्ट्रोक का कलर भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, आप जो भी रखना चाहते हो। और इस तरह से हम कलर पिकर टूल, जो कलर पिकर प्लेट है, यहाँ से हम जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसको सिंपली ओके कर दीजिए। तो ये बहुत ही, तो फिलहाल हम ये कलर रख के ओके कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैचिंग मैंने स्ट्रोक का कलर रखा है अपनी बैकग्राउंड इमेज से। इसके बाद बहुत सारे ये ऑप्शन आप दे सकते हैं, बेवल एंड एम्बोज है, आप उसको बेवल इफेक्ट भी दे सकते हैं, एम्बोज इफेक्ट दे सकते हैं, और बहुत सारे चेंजेस भी उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये उसका ओपेसिटी और उसका फिल है, वो आप अपने इमेज के हिसाब से प्लस माइनस करके देख सकते हैं। बेवल एंड एम्बोज में हम देखेंगे बहुत सारे एम्बोज और बेवल के ऑप्शन यहाँ पे है, इनर बेवल, आउटर बेवल, पिलो एम्बोज, स्ट्रोक एम्बोज। तो ऐसे ऑप्शन है जिससे आप अपने हिसाब से टेक्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको इफेक्ट दे सकते हैं। और ये एम्बोज की डेप्थ, साइज, सॉफ्ट एंड लाइट एंड, एक बार आप ट्राई करके अपने हिसाब से देख ले कौन सा अच्छा लगता है आपकी इमेज के हिसाब से, तो ऐसा आप उसको इफेक्ट देके चूज़ कर सकते हैं। तो उसका साइज़ यहाँ से आप स्लाइडिंग्स से प्लस माइनस कर सकते हैं, डेप्थ उसकी प्लस माइनस कर सकते हैं, और बहुत ये लगभग बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहाँ पर दे सकता है आपको। तो नीचे उसके सारे एंगल्स है, ये उसका टेक्निक है एम्बोस की, तो वो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से एम्बोस का एंगल है, तो कौन से एंगल से आप उसको एम्बोस इफेक्ट देना चाहते हैं, तो वो एंगल यहाँ से आप सेट करते हैं। उनका काउंटर है, कितनी बार वो काउंटर के हिसाब से एम्बोस करेगा, तो कितनी बार आप काउंट करके उसको एम्बोस करना चाहते हैं वो है। फिर टेक्सचर है, टेक्सचर यहाँ पे आप उसको, अगर आपको लगता है कि हमने ये इफ़ेक्ट दिया है वो ठीक नहीं है, तो उसको टेक्सचर भी आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट्स कुछ है टेक्सचर्स, तो वो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक तो हमने देख लिया, फिर इनर शेडो है, इनर शेडो से आप इन टेक्स के अंदर भी आप शेडो लगा के अलग से एक इफ़ेक्ट दे सकते हैं। फिर कलर ओवरले है, कलर उसके ऊपर आप कलर ओवरले करना चाहते हैं तो कलर उसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एक ग्रेडियंट ओवरले है, तो यहाँ से दो कलर आप कंबाइन करके भी ग्रेडियंट उसको दे सकते हैं इफ़ेक्ट। जैसे कि हम यहाँ पे दो कलर अलग अलग चूज़ कर लेते हैं, ये सिलेक्ट कर ओके कर देते हैं। तो देखिए, तो इस तरह का आप ग्रेडियंट ओवरले भी आप उसको दे सकते हैं। आउटर ग्लो है, फॉन्ट के आउटसाइड का ग्लो आप दे सकते हैं, उसमें कलर बहुत सारे हैं जो भी चूज़ करना चाहो। ये सबसे बढ़िया है ड्रॉप शेडो। शेडो हमें बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी इमेज में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि शेडो बहुत ही रियलिस्टिक इमेज बनाने के लिए शेडो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ से एक ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको सबसे नीचे मिल जाएगा ड्रॉप शेडो, तो वो आप क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से वो जो भी हमारी लेयर है वो लेयर का शेडो आपको दे देगा। और यहाँ से ये सब ऑप्शन है, तो यहाँ से आप उसका साइज, उसका स्प्रेड, उसका डिस्टेंस, उसका एंगल, उसकी ओपेसिटी, सब कुछ यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ये काउंटर एडिटर है, यहाँ से आप यहाँ से अगर करना चाहो तो इस तरीके से भी काउंटर एडिटर कर सकते हैं आपके शेडो की इफ़ेक्ट का, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल है ये ब्लेंडिंग ऑप्शन, क्योंकि हम हमारे टेक्स्ट को या हमारे इमेज को कोई भी अगर स्पेशल इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हम ओके कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा एट्रैक्टिव लग रहा है
हमारा जो वाटर थीम है, जो इमेज है, उसके जो हमारी इमेज है, हमारा जो थीम है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जाके आप एक नई इमेज हम ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाए के लिए। ये मैंने तो पहले से ही मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐसे क्रॉप करके रखी है, इसमें ही फोटोपिया में ही। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी इमेज आपको छोटी बड़ी करनी है तो यहाँ पे एडिट में चले जाएंगे। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है और ये बहुत ही यूज़फुल है। कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज को आपको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, तो बहुत ही यूज़फुल टूल है ये। तो और उसको आप स्केल करें जब भी, तभी हमेशा याद रखें शिफ्ट दबा के स्केल करेंगे तो वो प्रोपोर्शन में स्केल होगा, बिना शिफ्ट के वो स्केल करने जाएंगे। तो दूसरा एक इमेज हम ले लेते हैं और ये यहाँ पे रख देते हैं। तो बिना शिफ्ट दबाए अगर आप उसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से स्केल करेंगे तो वो प्रोपोर्शन में स्केल नहीं होगा, शिफ्ट दबा के ही स्केल करें तो पूरा प्रोपोर्शन में स्केल होगा। कंफर्म कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने दो इमेज रख दिए। तो इस तरह से आप बढ़िया अच्छी तरीके से अपने इमेज को डिज़ाइन कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। ड्रॉप शेडो में भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सा अच्छा इफेक्ट दे रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर से हम अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया में इमेज को रखने के लिए हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। और सबसे बढ़िया है कि हमें कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता और ये ऑनलाइन है, बिल्कुल फ्री है। और सबसे बढ़िया बात है इसको मोबाइल में भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल में भी कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी इमेज एडिट कर सकते हैं। इमेज अपनी हो क्लियर रेडी हो जाने के बाद हम इसको सेव करेंगे। तो आप यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में हम जेपीजी में सेव करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे फॉर्मेट अपनी इमेज के सेव करने के लिए, बीएमपी है, जीप है, एसवीजी, पीएनजी, जेपीजी, बहुत सारे हम अभी जेपीजी में इसको सेव करते हैं, क्वालिटी 100% कर देते हैं। यहाँ से सेव, तो लीजिए हमारा इमेज तैयार हो गया, रेडी हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने इमेज को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं फेसबुक और कई तरह के सोशल मीडिया के लिए। और अपने यूट्यूब, जो यूट्यूबर्स है खास करके, वो यूट्यूबर्स अपने थंबनेल क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं।